उन्हीं का हाथ है, उन्हीं का हाथ है हमें बुरा बनाने में, उन्हीं का हाथ है हमें बुरा बनाने में, जो अब जमाने में हमें बुरा बताते हैं। शर्त थी हमसे दूर रहने की, शर्त थी हमसे दूर रहने की, और अब हम ही में घर बनाते हैं। उन्हीं का हाथ है हमें बुरा बनाने में, जो जमाने में हमें बुरा बताते हैं। हम यूथ बहुत कुछ बदल सकते हैं, हम अगर थोड़ा सा एफर्ट करें। अंकुश भाई साहब को, जिन्होंने ये गूंज की शुरुआत की, और बहुत जगह आना जाना होता है, लेकिन सही बताऊं अंकुश, यहाँ आके दिल से बहुत खुशी हुई, क्योंकि शायद मैं भी इसका हिस्सा बन पाई। चूँकि बनारस एक, बनारस का तासीर ही ऐसा है कि इसकी, इसके पानी आबो हवा में कुछ ऐसा है कि हर किसी को अपने रस में घोलता है। और आज जितने सब यहाँ बैठे हैं, कुछ कुछ प्रसाद सब में है, तब शायद हम यहाँ पर हैं। जैसा अंकुश भाई बता रहे थे कि मैंने ऐसा ऐसा किया, वो मैंने किया, लेकिन क्यों किया? वो इसलिए नहीं कि मुझे पता भी नहीं था कि मेरे लाइफ में इतनी बड़ी चेंजेस आएगी, क्योंकि हम जिस फैमिली बैकग्राउंड से हैं, मेरे पिताजी की पान की दुकान है, और हम लोग 5 भाई बहन हैं, तो कुछ ऐसा परवेश नहीं है हमारे घर में कि कोई डांस, म्यूजिक, क्लासिकल या किसी भी चीज़ से ऐसा जुड़ा हो। लेकिन मैं वहाँ से निकली जब अपने गुरु लोग के संपर्क में गई, और जिन्होंने मुझे बनाया, मुझे गर्व है कि वो आज हमारे बीच में है। हमारे स्केटिंग के गुरुजी राजेश डोगरा जी मेरे साथ में आए हुए हैं। सर के वजह से मैं कुछ कर पाई। बहुत सारे अप डाउन सबके लाइफ में होता है, और वो रॉक स्टार का एक है ना कि अगर दर्द ना हो तो शायद कोई कुछ कर ही ना पाए। तो एक दर्द ज़रूरी है लाइफ में, तभी वो मोटिवेशनल आप हो पाते हैं। मैंने अपने गुरु को प्रॉमिस किया था कि मैं ये करके दिखाऊंगी, और मैंने किया। अगर शायद मैं ये नहीं करती तो ये मलाल ताउम्र मेरे पास रह जाती, जब तक मेरे ग्रे हेयर हो जाते, और तब मुझे लगता मैं कहानी सुनाती। मैंने एक सोचा था और ये मैं कर नहीं पाई। अब मैं बहुत गर्व के साथ ऐसा मेरे पास, मैं जब पढ़ाती थी बच्चों को तो मैं ऐसा बोलती थी कि कोई एक ऐसी स्टोरी आपके पास होनी चाहिए कि आप अपने आसपास के लोगों को वो बता पाओ। तो मेरे पास बहुत सारी ऐसी स्टोरीज है जो मैं बता सकती हूँ। और बहुत लोग किताबें पढ़ते हैं कि इसको करने से ये हो जाता है, इसको करने से ये हो जाता है, लेकिन एक कहावत है कि बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता है। तो बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता है, आपको करना पड़ता है। रामदेव बाबा भी कहते हैं ना, करने से होता है। तो हाँ, सच में करने से होता है। बहुत लंबी जर्नी रही मेरी, जहाँ से मैंने जो कुछ भी किया वो बहुत एक लंबी स्टोरी है, कभी फिर मिलेंगे तो बताएंगे। लेकिन मेरे हिसाब से कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती है, कोई भी तकलीफ इतनी बड़ी नहीं होती है कि आपको अपने लक्ष्य से डिगा पाए। और अगर कुछ हासिल करना है, कौन क्या कह रहा है, जैसे बनारस में लोगों का एक लाइन में ये बोल देते हैं कि भैया अच्छा कर तो रहे, बहुत अच्छा है, एक एक करे से काम मिली। और ये जो काम मिली वाला सेंटेंस है ना, आपका इतना मोरल ना तुरंत ऐसे कर देता है। अब हम भी सोचने लग जाते हैं, अरे यार सच में कह तो रहा है बंदा, काम मिली। लेकिन सच बताओ, जितने लोगों ने मुझे, कई लोगों ने बोला काम मिली, तो वो चीज ना मेरे उधर दाएं बाएं ऊपर से चली जाती थी, क्योंकि मेरा फोकस सिर्फ मेरे लक्ष्य पे था, जो कि मैंने अपने गुरुजी को वचन दिया था कि ये मैं करके दिखाऊंगी। मुझे और किसी की बात कुछ भी नहीं सुनाई देता था। मैं अगर किसी कॉन्फ्रेंस में या कहीं किसी के बहुत गैदरिंग में हूँ, 1000-2000 लोग भी हैं, तो वहाँ पे भी ना सबको ऐसा लगता था कि मैं उनको देख रही हूँ और उनको सुन रही हूँ। लेकिन सच्चाई ये होती थी कि मैं हर समय ये सोचती थी कि अच्छा, और इतने स्मार्टली मैं ये काम करती थी कि कोई समझ ही नहीं पाता था कि मैं उनको नहीं सुन रही हूँ। तो
बहुत सी चीजें ऐसा मैंने किया है जो कि शायद वो बदतमीजियों में गिनी जाएगी, लेकिन मैंने किया है ये बदतमीजी। ऐसे चीजों को प्रमोट करने के लिए लोग आगे नहीं आते हैं। जब मुझे करना था, मुझे फाइनेंशियल बहुत ही प्रॉब्लम थी, मैं जॉब में भी थी, जॉब छोड़ के मैं आ गई थी, तो मेरे पेरेंट्स का भी सपोर्ट नहीं था, सिर्फ मेरे गुरुजी जो आए साथ में उनका साथ था। लेकिन पैसे की ज़रूरत तो यार होती है ना, हम कितना भी स्ट्रांगली, सिर्फ हम बहुत आत्मविश्वास है हमारे अंदर, हम ये कर लेंगे वो, भैया ये कहाँ से आएगा। बहुत जगह हम इससे फंस जाते हैं। और जहाँ मेरे पिताजी की पान की दुकान है, 5 भाई बहन है, पहले वो उनको करेंगे कि मेरे लिए करेंगे, तो मैं कह भी नहीं पाती थी उनसे कि मेरे लिए आप करिए। बहुत सी चीज़ें की जिससे कुछ पैसे आ पाए, लेकिन स्थिति वही की वही थी और कुछ भी ऐसा हो नहीं पाता था। जब हम एक स्पॉन्सरशिप के लिए कहीं जाते थे तो लोग पहले ऐसे देखते थे, 124 घंटे, तो उनको लगता था मेरा ऊपर वाला मंजिल जो है हिल चुका है, क्योंकि 5 दिन 5 रात 7 घंटे कुछ ऐसा का हिसाब किताब था। तो लोग समझाते थे, ऐसा बेटा तुम ना कुछ और कर लो। जब वो ये लाइन बोलते थे, तुम और कुछ कर लो, तो बस जो डायरी लेके जाती थी जिसमें लिस्ट बनी हुई थी कि ये चीजें मिल जाए, उसको बंद करती थी, अंकल का पैर छूती थी और वहां से चल देती थी। किसी ने साथ नहीं दिया। फिर जो कुछ फंडिंग की थी जॉब से, उसको इकट्ठा करके अपनी प्रैक्टिस शुरू की मैंने। और सच बताऊं, लोग ऐसा बोलते हैं ना कि आप चलना शुरू करो, आपके पीछे पीछे चलने से नहीं, जब आप थोड़ा बहुत कुछ कर लेते हो ना तब लोग पीछे आते हैं। चलते रहो, बाकी जब पीछे मुड़ के देखोगे सब गायब होते हैं, कोई साथ नहीं होता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हुई लाइफ में, तो इसलिए जितने भी लोग, इसमें एज का तो कोई मायने ही नहीं रखता है। मेरे सर बोलते हैं जब जागो तब सवेरा, ठीक है, मुझे लाइफ में सब कुछ बहुत बाद में मिली। अब तो उन बच्चों को जो बचपन में ही म्यूजिक और इसमें आ जाते, अब तो बहुत सपोर्ट करते लोग, पेरेंट्स लेके जाते घंटों घंटों खड़े रहते हैं। हमारे यहाँ बच्चों का पैर बांध देते थे, मैं भी कहीं बंधी पड़ी होती थी और मम्मी अपना काम कर रही होती थी, लेकिन एक दिन वो जो जंजीर खुली तो आज मैं यहाँ तक पहुँची। जब मैं अपने घर से अलग गई, अपने फ्रेंड्स से अलग गई और हर चाहने वालों से अलग हो गई थी, तब थोड़ा, और ये नहीं, आपको ये मत सोचना कि मैं प्यार में थी और मुझे वो दर्द हुआ तब मैंने लिखना। मैं वर्कशॉप लेने चाइना गई थी और जब मैं वर्कशॉप लेके आती थी तो 5 बजे मैं फ्री हो जाती थी और वहाँ डिनर हमारे इवनिंग टाइम में हो जाता, तो करके मैं जब अपने कमरे में आती थी मुझे लगता था अब मेरे पास कुछ नहीं है। तो एक दिन ऐसे ही मैंने अपनी डायरी उठाई और मैंने लिखना शुरू किया, क्योंकि टकिट धिकिट और धेताम धेताम ये सब लिखने के बाद वाला है ये सब। कुछ कहना था तुमसे, हर बार मिलते हो और चले जाते हो, हर बार मिलते हो और चले जाते हो, क्या इस बार रह जाओगे सिर्फ और सिर्फ मेरे पास। वो शाम याद है तुम्हें जब 10 मिनट के लिए कहा था और कई घंटों बाद आए, मैं अकेली मेट्रो स्टेशन के एक कोने पे बस कर रही थी तुम्हारा इंतज़ार। आंखें नम थी, थोड़ा डरी सी थी और जब देखा तुम्हें रो पड़ी। उस दिन रात भी थी और ठंड भी थोड़ी बढ़ी थी और जब तुमने गले से लगाया तो हंस पड़ी। उस रात भी तुम कुछ घंटे ही मेरे साथ थे और सुबह होते ही चल दिए, पर क्या इस बार रह जाओगे सिर्फ और सिर्फ मेरे पास। सुकूनियत से महसूस करना चाहती हूँ तुम्हें एक बार, सुकूनियत से महसूस करना चाहती हूँ तुम्हें बस एक बार, तो क्या रह जाओगे सिर्फ मेरे और मेरे पास। लॉन्ग ड्राइव, लेट नाइट, रोमांटिक सॉन्ग्स और सिर्फ तुम, पूरी रात मेरे साथ।
तसल्ली से तुम्हें देख पाऊँ, छू पाऊँ और महसूस कर पाऊँ, पहली सी बात और वही रात। क्या एक बार ऐसा कर पाओगे? बोलो ना, क्या तुम फिर एक बार वो रात दे पाओगे? बस यही कहना था तुमसे, हर बार मिलते हो और चले जाते हो, क्या इस बार रह जाओगे सिर्फ और सिर्फ मेरे पास?